हिमाचल और पंजाब सीमा के साथ सटे गांव मजारी में हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस की साझी रेड। मजारी के जंगल में चलती भटियां शराब की पकड़ी, शराब तस्कर मौके से फरार हुए। इससे पहले भी हिमाचल और पंजाब पुलिस के साझी अभियान में 37 ड्रम कच्ची शराब के पकड़े जा चुके हैं। हिमाचल और पंजाब सीमा के साथ सटे गांव मजारी में हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस की साझी रेड के दौरान जंगल में चलती भटियां शराब की बरामद की है। वही मौके पर तस्कर फरार हो गए हैं। इससे पहले भी हिमाचल और पंजाब पुलिस के साझे अभियान में 37 ड्रम कच्ची शराब पुलिस ने पकड़ी है, जिसे मौके पर नष्ट किया गया है। डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि पंजाब और हिमाचल पुलिस के नशा तस्करों के खिलाफ साझे अभियान समय समय पर किए जाते हैं और इस बार भी हिमाचल पंजाब पुलिस ने मिलकर शराब तस्करों पर शिकंजा कसा है। हालांकि शराब तस्कर भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कच्ची शराब के 26 ड्रम पुलिस ने मौके पर बरामद करके इन्हें नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत हिमाचल और पंजाब पुलिस बॉर्डर एरिया पर पूरी तरह से सतर्क है और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बॉर्डर क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग भी की जाती रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां क्षेत्र में ना चले। पुलिस और हिमाचल पुलिस ने ज्वाइंट रेड की है मजारी गाँव की खड में, वहाँ पे उन्होंने 26 ड्रम लहान डिस्ट्रॉय की है। लगभग कोई 5200 लीटर लहान को डिस्ट्रॉय किया गया है। किसी भी आदमी को पकड़ा नहीं गया, भागने में लोग सफल हो गए थे। तो इस तरह की रेड्स हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी जगह जगह पर चेकिंग चली हुई है। हमने बॉर्डर एरियाज़ पर भी जहाँ जहाँ पर हमारे रोड पंजाब के साथ लिंक होते हैं वहाँ पर हमने अपने आदमी लगाए हैं। वहाँ पर गार्ड्स लगी हुई हैं और वहाँ पर CCTV कैमराज भी लगे हुए हैं। तो हर जगह चौकसी बरती जा रही है। इसी तरह की रेड्स बाकी जगह पे भी की जा रही है, की जाएंगी, लगातार होती रहेगी।